स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TMS द मैथमेजिशियन शो में। इस वीडियो में हम लोग डिजिट्स, नंबर्स और न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बीच डिफरेंस क्या है उसको भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिजिट्स, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी यूज सिंबल्स और फिगर्स। किसी भी नंबर को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, लिखने के लिए हम लोग सिंबल या फिगर का यूज़ करते हैं। दिस सिम्बल्स और फिगर्स आर कॉल्ड डिजिट्स, और इसी सिम्बल्स इसी फिगर्स को हम लोग डिजिट कहते हैं। टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 10 डिजिट्स हैं। अब बात करते हैं न्यूमरल की। न्यूमरल क्या है? ए न्यूमरल इज़ अ सिम्बल, फिगर और नेम स्टैंड्स फॉर अ नंबर। न्यूमरल क्या है? एक सिम्बल, फिगर या नाम जो कि एक नंबर को दर्शाता है उसी को हम लोग न्यूमरल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12, 12, 56, 13, ये सारा न्यूमरल है, ये रोमन न्यूमरल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 55, ये भी न्यूमरल है। अब बात करते हैं नंबर की। नंबर इज़ अ काउंट और मेजरमेंट दैट इज़ रियली एन आइडिया इन आवर माइंड्स। नंबर गिनती या माप है जो कि हमारे माइंड में सच्चाई में एक आइडिया है, विचार है। नंबर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ हम लोग गिनने के लिए या मापने के लिए करते हैं। तो ये नंबर के बारे में हो गया और न्यूमरल और डिजिट्स के बारे में हो गया। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अब डिजिट्स, न्यूमरल्स और नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी, ए और टी। सी एक लेटर है, ए भी एक लेटर है, टी भी एक लेटर है। तीनों मिलके बनता है सी ए टी कैट, जो कि एक वर्ड है। और हमारे माइंड में ये क्रिएट होता है, ये आता है बिल्ली। अब बिल्ली सही बना है कि नहीं बना आप लोग देख लीजिएगा। बचपन में बिल्ली पाले हुए थे, बहुत दिन हो गया बिल्ली बनाए हुए। तो ये हो गया आइडिया, ठीक है। अब देखते हैं, वन डिजिट है और टू भी एक डिजिट है, ठीक है। वन और टू मिलके बनता है 12, जो कि एक न्यूमेरल है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, टी डब्ल्यू ई एल वी ई, या इस तरह भी लिख सकते हैं 12। ये रोमन न्यूमरल है तो किसी तरह इसको लिख सकते हैं। हमारे माइंड में आइडिया क्या है? ये आइडिया आएगा, टेन और टू 12, यह हो गया आइडिया। तो यही बेसिक डिफरेंस है डिजिट्स, न्यूमरल और नंबर्स में, ठीक है। वैसे आप नंबर को न्यूमरल्स, न्यूमरल्स को नंबर बोलते हैं या समझते हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक ही जैसा है क्योंकि आपकी बात
सामने वाला समझ जाता है और सामने वाले की बात आप समझ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।